रेप की घटनाओं को लेकर उत्तर प्रदेश के रामपुर में पूर्व सांसद जया प्रदा ने सोमवार को कहा कि यह देखकर दुख होता है और मन में सवाल उठता है कि आखिर किस समाज में हमारी बच्चियों को स्कूल भेजा जा रहा है। दरिंदों के बीच हमारी बच्चियां क्या सुरक्षित हैं? हम कितने बच्चों का बलिदान दें? आज लड़की होती है तो खुशी की बजाय रोने का मन करता है। जया प्रदा ने कहा कि मैं जनता से कहना चाहती हूं कि सरकार तो एक्शन ले रही है, लेकिन समाज में सोच बदलना जरूरी है। ऐसे गलत काम करने वाले दरिंदों को जीने का हक नहीं है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद हो या उन्नाव की घटना हो, दरिंदों को जीने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि निर्भया के दोषियों को अब तक सजा क्यों नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि हैदराबाद के दोषियों का एनकाउंटर कर दिया गया, ऐसे ही और बच्चियों के साथ जिन्होंने ऐसा किया है उनको भी एनकाउंटर कर मार देना चाहिए। साथ ही जया प्रदा ने कहा कि लेकिन कानून हाथ में नहीं लेना है, इसलिए मैं अपील करती हूँ कि ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाना चाहिए और हैंग देम टिल डेट, फिर चाहे कोई भी हो। ये सुन के मुझे बहुत ही मैं दुख के साथ ये कहना चाहती हूँ कि आखिर हम किस समाज में रहे हैं और हमारे बच्चियाँ किस तरह के जो समाज में हमारे बच्चियों को स्कूल भेजा जा रहा है और उन दरिंदों के बीच में हमारे बच्चियाँ क्या सुरक्षित हैं, क्योंकि उन दरिंदों को कितने कितने लोगों को हम अपने बच्चियों को बलिदान दे देंगे। आज लड़की होती है तो खुशी मनाने के बजाय रोने को मन कर रहा है क्योंकि यह बच्ची सुरक्षित इस समाज में नहीं है। लेकिन आज मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि हम जो भी जो गलत हो रहा है उनके लिए सरकार भी अपने कदम उठा रही है, सख्त से सख्त हम कानून लागू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समाज में सोच बदलना बहुत ज़रूरी है। जो मैं सभी पुरुष के लिए मैं क्वेश्चन मार्क नहीं कर रही हूँ, मैं सवाल नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसे जो दरिंद जो गलत करने वाले काम करने वाले लोग हैं उनको जीने का कोई हक नहीं है। हैंग दम टिल द डेथ, कोई भी हो, चाहे उन्नाव का जो संगठन हो या हैदराबाद का जो प्रियंका रेड्डी हो। मैं आपसे अपील करती हूँ, जनता से अपील करती हूँ, सरकार से अपील करती हूँ, आखिर हम कब तक ये इसमें कोई भी इसमें कोई जात का हो, कोई भाषा का हो, कोई भी राष्ट्र का हो, लेकिन उनको जीने का कोई हक नहीं है। उनको जब गलती करते हैं तो उन खास तौर हम लोग ये आपसे भी सवाल करना चाहती हूँ कि हम लोगों ने निर्भया की बात कर रहे हैं, निर्भया होने के बाद अब 6 साल ख़त्म हो रहा है, 7 साल लगभग ख़त्म होने को आ रहा है, लेकिन जो गलत किया था उनको सज़ा क्यों नहीं मिल रहा है? इन लोगों को फास्ट ट्रैक में रखे, इनको सज़ा देना ही चाहिए। लेकिन आज प्रियंका रेड्डी एक डॉक्टर है, हमें गर्व है कि एक बेटी डॉक्टर होके अपने समाज के लिए सेवा कर रही है, उसके लिए ऐसे 4 लोग हैवान जो लोग हैं उनके ऊपर उनको हत्या किया है और उसको मार डाला है और जला भी दिया है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि प्रियंका रेड्डी का जो पुलिस को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि मैं जो उनके माँ बाप से मैंने मुझे बात करने को मौका मिला और उनके दर्द को मुझे शेयर करने के लिए भी एक मौका दिया है, तो मैंने उनसे कहा है उनके पापा से, बाबूजी आपके दुख हमारे सबके लिए है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इसको जैसे जो 4 लोग उनके ऊपर जो हत्या करने के बाद जला दिया था, तो इन लोगों के लिए एनकाउंटर करके इनको 4ों को मारा है। ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि जितने हमारे बच्चियों को ऊपर हत्या हुआ है, मार दिया है, जला दिया है, इन लोगों के ऊपर भी एनकाउंटर करके मार देना चाहिए, लेकिन कानून हम हाथ में नहीं लेना है। इसीलिए मैं अपील करती हूँ कि फास्ट ट्रैक में लाना चाहिए और हैंग दम टिल द डेथ। दिल्ली में क्या महिलाओं को लेकर जो है क्या कानून में और संशोधन होना चाहिए? आना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे बच्चियां